मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात कर रही हूँ मैं रघुराज सिंह शाख्या को लेकर। जी हाँ, रघुराज सिंह शाख्या को हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे ही जनता को ये मालूम चला था कि रघुराज सिंह शाख्या मुलायम सिंह यादव के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे, वो उनके शिष्य हुआ करते थे, उसके बाद उनके पास जब ऑप्शन आया किसी और पार्टी में जाने का, तो 2017 में उन्होंने प्रसपा को ज्वाइन किया जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन उसके बाद जब उनके पास और भी ऑप्शन आए तो उन्होंने इसी साल फरवरी के महीने 2022 में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अब वो लगातार भाजपा में काम करते नजर आ रहे थे, वो सांसद भी रह चुके थे और अच्छे खासे नामी गामी इंसान है वो, काफी ज्यादा संपत्ति भी है उनके पास, लेकिन इतना ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहे थे। सुर्खियों में वो तब आए जब यहाँ पर उनका नाम सामने आ गया था पूरी तरीके से कि यहाँ पर डिंपल यादव के विपक्ष में, यानी कि आमने सामने उनको उतारा जाएगा। और जब उनका नाम सामने आया तब यहाँ पर उनके बारे में लोगों ने जानना चाहा और हमने आपको काफी सारी रिपोर्ट्स आपके साथ साझा की थी जिसमें बताया था कि यहाँ पर रघुराज सिंह शाख्या कौन है, उनके परिवार में कौन कौन है, कितनी संपत्ति है और कहाँ से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन अब यहाँ पर जनता की मांग है कि जनता की मांग क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहते नजर आए हैं लोग कि रघुराज सिंह शाख्या पर भरोसा करना, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, उन्हें बीजेपी से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि माना जाए कि जनता की बात मान के इतना ज्यादा अपनी इंसल्ट कर रहा थे, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़के वो हार गए, तो क्या कहीं ना कहीं माना जाए कि वो योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा जरूर सौंपेंगे। खास संदेश की बात की जा रही है कि वो खास संदेश जरूर भेजेंगे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को। क्या भाजपा यहाँ पर खुद से उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाएगी या फिर ये माना जाए कि यहाँ पर वो खुद पार्टी को छोड़ देंगे? अगर वो बीजेपी पार्टी को छोड़ भी देते थे, इस्तीफा भी दे देते हैं, तो क्या वो वापस से सपा में आएंगे? क्या सपा वाले उन पर विश्वास कर पाएंगे? क्या उन्हें ले पाएंगे? क्योंकि आपको याद हो तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि रघुराज ने उनसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवाई लेने जाना है, लेकिन जब वो दवाई लेने गए तो वो वापिस ही नहीं आए, इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई। तो विश्वासघात जिसे कहते हैं वो कहीं ना कहीं रघुराज की तरफ से देखा गया था। दोबारा से उन पर विश्वास करना सपा पार्टी के लिए मुश्किल है, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्या वो बसपा में जाएंगे या फिर वो किसी भी पार्टी में नहीं रहेंगे? इसी तरीके की बातें अब उनके लिए हो रही है, यानी कि पहले भी और अभी भी लगातार रघुराज से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि रघुराज को इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, इस तरीके की बातें लगातार उनके लिए कही जा रही है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आप क्या चाहते हैं कि रघुराज सपा में आए या फिर इस्तीफा देकर घर बैठ जाए? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।